दोस्तों आज हम आपको एंड्रॉयड फोन का 5 ऐसी जबरदस्त सेटिंग बताएंगे जो हर फोन के अंदर में दिया होता है, लेकिन इसमें से 80% लोग अभी भी इस सेटिंग के बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर फोन के अंदर में एसेसिबिलिटी नाम का एक सेटिंग आपको देखने को मिलता है। इस सेटिंग के अंदर में 5 ऐसी घातक खुफिया ट्रिक छुपी हुई है दोस्तों, कि अगर आप एक बार इन सेटिंग के बारे में जान जाओगे तो कहोगे कि यार इतने दिनों से मैं मोबाइल चला रहा था और आज तक हमें इस सेटिंग के बारे में पता ही नहीं था। और इनमें से जो पांचवें नंबर की ट्रिक है दोस्तों, वह सेटिंग तो इतनी जबरदस्त है कि आप उस सेटिंग को देख कर ही जाना। जी हाँ दोस्तों, जो 5 नंबर की सेटिंग बताऊंगा ना, उस सेटिंग से तो बहुत ही बड़ा काम आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सेटिंग है, और जो 4 सेटिंग है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। तो हम आज आप लोगों को एंड्रॉयड फोन की एसेसिबिलिटी नाम का जो सेटिंग होता है उसके अंदर में जो खुफिया ट्रिक छुपी हुई है उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना अगर आपको इन सेटिंग के बारे में समझना है। तो एक बार अगर इस सेटिंग को पूरा आप देख लोगे तो आप कहोगे कि यार इतने दिनों से फोन चलाया था लेकिन इन सेटिंग के बारे में हमें आज तक तो पता नहीं था। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बताते हैं आप लोगों को इन्हीं सेटिंग के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करो। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन पर दबा के ऑल के ऊपर में क्लिक कर दो, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो इतना सा काम आप प्लीज करिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं 5 सेटिंग के बारे में बताएंगे। पांचों सेटिंग बहुत जबरदस्त है लेकिन पांचवें नंबर की सेटिंग पावरफुल है। तो प्लीज पांचवें नंबर की सेटिंग को देख कर जाइएगा। पहली सेटिंग क्या है आइए समझिए। तो आइए दोस्तों पहली सेटिंग बताते हैं। पहली सेटिंग में सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में चले जाइएगा। आपको यहां पर एसेसिबिलिटी सेटिंग होगी, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर एडवांस सेटिंग दिखेगा, इस एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। आपको यहां पर एक सेटिंग दिखेगा जिसका नाम है फ्लैश नोटिफिकेशन, इसके ऊपर में आपको टैप कर देना है। जब इसके ऊपर में आप टैप करोगे तो यहां पर दो बटन होगा, एक कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन, एक होगा स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन। यह दोनों बटन ऑन होगा। अगर ऑन होगा तो इसको ऑफ कर देना। ऑन से क्या फायदा है और ऑफ से क्या फायदा है यह पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इन दोनों बटन को ऑन रखते हैं तो कोई भी मैसेज या कॉल आएगी तो आपकी जो स्क्रीन है ब्लिंक करेगी, यानी कि जलेगी। जी हाँ दोस्तों, जब इस बटन को आप ऑन करोगे तो कोई भी मैसेज आपके फोन पर आएगा तो आपकी जो स्क्रीन है भूक भाक करेगी। आपकी फोन रात में अगर कहीं भी रखा रहेगा और उस वक्त किसी का कॉल या मैसेज आएगा तो आपका फोन ब्लिंक करेगा, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसी का मैसेज आया हुआ है, और नोटिफिकेशन भी बजेंगे। लेकिन इससे आपको नुकसान क्या है वह भी समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इससे नुकसान यही है कि जो आपके फोन की बैटरी है बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगी और आपकी फोन की बैटरी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। तो इसे आप बंद कर दे, अगर अपने फोन की बैटरी को बचाना है तो इस सेटिंग को आप बंद कर दे। तो दोस्तों यह हो गई पहली सेटिंग। अब मैं आप लोगों को दूसरी सेटिंग बता रहा हूं। दूसरी सेटिंग क्या है आइए ध्यान से समझिए। तो दूसरी सेटिंग के लिए आपको यहां से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद में आपको यहां पर एसेसिबिलिटी सेटिंग है, इसके ऊपर में टैप करना है। जब इसके ऊपर में आप टैप करोगे तो एक यहां पर सेटिंग मिलेगी इंटरेक्शन एंड डेक्सपिट्री का, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां पर एक ऑप्शन है इग्नोर रिपीटेड टच। जी हां दोस्तों, यहां पर एक ऑप्शन है इग्नोर रिपीटेड टच का, इसको आपको क्लिक कर देना है। जब इसको आप क्लिक कर दोगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जी हां दोस्तों, आपके फोन के अंदर ही यह सेटिंग है लेकिन शायद आज तक आप लोगों ने इसको देखा होगा। अब यहां इस सेटिंग का क्या मतलब है पहले समझिए।
दोस्तों इस सेटिंग का मतलब यही है कि आपका मोबाइल हैंग और लैग करता है तो इसको यह रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फोन मान लीजिए हैंग करता है, लैग करता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके फोन का रैम कम होता है और आपका फोन जब कोई भी एप्लीकेशन या फोन को स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल वाइट ब्लिंग हो जाता है, कुछ देर तक वो वाइट ही रहता है, थोड़ी देर के बाद वो फिर आपका फोन काम करने लगता है, वैसे सिचुएशन में यह जो सेटिंग है बहुत काम आएगा। काम क्या आएगा, आप इस बटन को पहले तो ऑफ करना तो नहीं होगा, आपको एक बार इसके ऊपर में टैप करना है, जो लिखा है ना टैप हेयर ट्विच टू द टेस्ट, इसके ऊपर में आपको टैप करना है। यहां हो गया टैप टेस्ट कंप्लीट, इस बटन को ऑन कर देना। अब इस बटन को आप ऑन कर दोगे, अगर आपका फोन वाइट ब्लिंक करने लगता है तो अब यह वाइट ब्लिंक नहीं करेगा, आपका फोन बिल्कुल ही फास्ट हो जाएगा और बहुत ही स्पीड में चलेगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी कि जब आप अपने टच को छुएगा तो कुछ इस प्रकार का देखिए गोलाकार आने लगेगा। देखिए जब मैं टच को छू रहा हूं तो कुछ इस प्रकार का गोलाकार आ जा रहा है, जहां भी मैं टच करूंगा तो स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, लेकिन आपका फोन फास्ट हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से अगर आपका फोन हैंग करता है, लैग करता है तो इस सेटिंग को ऑन कर दीजिएगा, अगर आपको हैंग और लैग नहीं करता है तो आप इस सेटिंग को बंद कर सकते हैं। तो मैं यहां से बंद कर देता हूं क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। अब मैं आप लोगों को तीसरी सेटिंग बता रहा हूं, तीसरी सेटिंग भी बहुत ही पावरफुल है। तीसरी सेटिंग के लिए आपको यहां पर बैक आना है, बैक आने के बाद में यहां पर एक सेटिंग मिलेगा एसेसिबिलिटी के अंदर ही है, जिसका नाम है विजिबिलिटी इनहैंसमेंट्स। यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चौथे नंबर पर विजिबिलिटी इनहैंसमेंट्स नाम से एक सेटिंग है, इसको आपको ऑन कर देना है। जब इसको आप ऑन कर देंगे तो थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम है रिमूव एनिमेशन, इस बटन को ऑन कर देना है। इस बटन को ऑन करने से क्या फायदा होगा यह पहले समझिए। देखिए दोस्तों, रिमूव एनिमेशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एनिमेशन का मतलब होता है कि कोई भी एनिमेशन, रिमूव का मतलब होता है हटाना। अगर इस बटन को आप रिमूव एनिमेशन बटन को ऑन कर देते हैं तो आपके फोन में जितने भी एनिमेशन होते हैं, जब हम अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से एनिमेशन करता है, इधर से स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से एनिमेशन, यानी कि एक से बढ़कर एक लुक में जो चलते हैं उसको एनिमेशन कहते हैं, तो यह एनिमेशन आपके फोन से हट जाएंगे। आपके फोन में जो एनिमेशन होता है, किस तरीके से स्क्रॉल करेंगे फोन को तो स्क्रॉल कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन पलट कराएगा, वह एनिमेशन बंद हो जाएगा। और उसको बंद होने से आपको क्या हो जाएगा कि आपकी बैटरी और आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर एनिमेशन बंद हो जाएगा तो आपके मोबाइल की बैटरी ज्यादा चलेगी, इसलिए ज्यादा चलेगी कि कोई भी एनिमेशन आप जितने बार स्क्रॉल करते हैं उतने बार एनिमेशन चलती है, तो एनिमेशन बंद हो जाएगा तो आपके फोन की बैटरी भी बचना स्टार्ट हो जाएगा और आपका फोन फास्ट हो जाएगा। तो तीसरी सेटिंग से आप यह काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को चौथी सेटिंग बता रहे हैं, चौथी सेटिंग भी बहुत ही कमाल की है। चौथी सेटिंग है दोस्तों यहां पर है हियरिंग इनसेचमेंट्स का, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा एड पॉट साउंड, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। इस सेटिंग से क्या मतलब है यह भी समझिए। देखिए दोस्तों, इस सेटिंग से क्या होगा कि अगर आपके घर में ओल्ड व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए कि आपके दादाजी हैं, पापा हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, ध्यान से समझिएगा, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, उनको सुनाई कम देने लगा है और आप चाहते हो कि आपका फोन उनको सुनाई ज्यादा दे, तो आप यहां पर जो लिखा हुआ है ओवर 60 वर्ष ओल्ड, इसके ऊपर में आपको टिक कर देना है। टिक करने से क्या होगा कि अब आपके फोन की जो आवाज है, जो कि साउंड है, वह अब बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी कि आपने यहां पर जो सेट किया है ओवर 60 वर्ष ओल्ड, अब बूढ़े लोगों को जितना कम सुनाई जब देता है तो यह सेटिंग को ऑन कर दें और टेक्स्ट माई हियरिंग पर जब क्लिक करेंगे तो आपको आवाज आएगी और पता चल जाएगी कि आपके फोन का आवाज पहले से बढ़ गई है। जब भी आपका मान लीजिए घर में कोई पापा हैं जिनका उम्र 60 साल हो गया है, उनको सुनाई कम दे रहा है, तो आप इस सेटिंग को ऑन कर उनको फोन दे देंगे, कोई वीडियो लगाकर या कोई फोन पे बात करने के लिए, तो उनको पूरी आवाज सुनाई देगी। तो इस सेटिंग से आप यह काम कर सकते हैं।
अब रह गई पांचवें नंबर की सेटिंग जो बहुत ही कमाल की है। पांचवें नंबर की सेटिंग बहुत ही कमाल की है जिसके बारे में मैं बता रहा था, वह सेटिंग कौन सी है आइए समझिए। तो दोस्तों पांचवें नंबर की सेटिंग यही है, जैसे कि आप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जब आओगे तो आपको जो ये वाला हियरिंग वाला सेटिंग था इसी के ऊपर में क्लिक करना है। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम है साउंड नोटिफिकेशन। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर देखेंगे अलार्म का चित्र होगा, नीचे घड़ी का और बीच में कान का। इसका क्या मतलब है? और यहां पर एक ऑप्शन होगा ओपन साउंड नोटिफिकेशन, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जब इसके ऊपर में क्लिक करोगे तो यहां पर लिखा होगा वेलकम टू साउंड नोटिफिकेशन। यहां पर आपको लिखा होगा गेट नोटिफाइड अबाउट इंपोर्टेंस साउंड इन यूर होम लाइक वेन इस स्पोम अलार्म बिप्स और ये बेबी क्रिक्स। इसका क्या मतलब है पहले ध्यान से समझिए। दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है और वह बेड पर सो रहा है और आप इस सेटिंग को सिर्फ यहां से ऑन कर दिए, जैसे मान लीजिए हम इस सेटिंग को यहां पर ऑन कर देते हैं, इसके परमिशन को अलाउ कर देते हैं और यहां पर ओके का ऑप्शन है, इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है, और करके हम अपने फोन को कुछ इस प्रकार से अपने घर में बेड के बगल में रख देते हैं और हम कहीं अपना काम करने के लिए अगल बगल में काम करते हैं और जैसे ही आपका बच्चा रोएगा, जैसे मान लीजिए आपका बेड पर आपका बच्चा सोया हुआ है और आपका फोन बच्चे के थोड़े से दूरी पर रखा हुआ है और आपका बच्चा जब रोएगा और आप कुछ दूर पे काम कर रहे हैं तो बच्चे की आवाज आपको अगर नहीं सुनाई पड़ती है तो मोबाइल को आपकी बच्चे की आवाज सुनाई पड़ जाएगी और मोबाइल में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल में ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगेगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका बेबी उठ गया है। यहां पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि यहां पर बेबी से रिलेटेड है, मैंने ऑन कर दिया है सेटिंग को। तो आप इस सेटिंग से यह काम कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहीं भी खेल रहा है या गिर गया और जैसे ही रोया तो आपका मोबाइल में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मोबाइल उसकी आवाज को सुन लेगी। तो दोस्तों इस सेटिंग से आप यह कर सकते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी की यही पांच सेटिंग के बारे में बता रहे थे। इनमें से आप लोगों को कौन सेटिंग सबसे अच्छी लगी आप हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही सेटिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक सीखने के लिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।